जय माता दी। दोस्तों, अपना देश देखने और सुनने वाले सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पुष्य नक्षत्र के बारे में, साथ ही धनतेरस के दिन भी खरीदारी का क्या है शुभ मुहूर्त। दोस्तों, आप सभी की शॉपिंग लिस्ट तैयार हो चुकी होगी और दोस्तों इस बार आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि दोस्तों पुष्य नक्षत्र दो दिन रहने वाला है, यानी कि 21 अक्टूबर को सोम पुष्य नक्षत्र के पुष्य नक्षत्र है और साथ ही 22 अक्टूबर को भी इस बार पुष्य नक्षत्र यानी कि भौम पुष्य नक्षत्र रहेगा। दोनों दिन शॉपिंग करने की दोस्तों बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, चाहे आपको गाड़ी खरीदनी हो, चाहे घर कोई भी महंगा आइटम खरीदना हो, चाहे सोना, ये दोनों दिन दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी सौगात लेके आने वाले, क्योंकि दोस्तों इस दिन खरीदी हुई चीज बहुत ही शुभ रहती है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा, साथ ही दोस्तों अपने इष्ट देव का नाम आप कमेंट में जरूर से लिखें, ताकि आपके इष्ट देव की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों इस बार क्या है शुभ मुहूर्त। दोस्तों, दीपावली में इस बार लक्ष्मी पूजन से पहले खरीदारी के लिए दो दिन पुष्य नक्षत्र है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा। पहला जो पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है वो 21 अक्टूबर को सोम पुष्य नक्षत्र, क्योंकि सोमवार के दिन है, और दूसरा है 22 अक्टूबर भौमवार यानी कि मंगलवार के दिन, उसे भौम पुष्य नक्षत्र कहते हैं। और दोनों दिन अन्य शुभ योगों का भी संयोग रहेगा, यानी बहुत सारे अच्छे शुभ योग बनके एक महासंयोग बना दे रहे हैं दोस्तों, इसलिए इस दिन की शॉपिंग बहुत ही खास रहने वाली है। दोनों दिन तक जो है व्यापारीगण खरीदारी कर सकेंगे। ज्योतिष की माने तो दोस्तों दीपावली के पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र में त्योहारी खरीदारी जो करते हैं बहुत ही शुभ मानी जाती है, लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो ये इंतजार के पल खत्म हो चुके दोस्तों, ये आने वाले यह समय, इसलिए आपने अपनी लिस्ट तैयार करके रख लेनी है। खासकर महंगी खरीदारी इस नक्षत्र में की जाती है दोस्तों। ज्योतिष की माने तो इस नक्षत्र में गाड़ी, मकान, दुकान, कपड़े, सोना, बर्तन, घर, भूमि, भवन आदि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, सबसे अच्छी चीज दोस्तों क्या होती है कि जब भी आप नया घर ले तो ऐसा माना जाता है कि उस नए घर में पहला त्योहार दिवाली आना चाहिए, होली नहीं। और अगर पुष्य नक्षत्र जो कि दीपावली से पहले आता है, उस नक्षत्र में अगर आप गृह प्रवेश करते हैं, घर खरीदते हैं और फिर उसके बाद में आपके घर में वो पहली दिवाली आती तो बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। इसलिए दोस्तों आपने मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। अगर आप घर खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो इससे बढ़िया मौका आपको और नहीं मिलने वाला। अब पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदने का भी विशेष महत्व है और ये माना जाता है कि इस दिन अगर सोना खरीदा जाता है तो सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र 21 अक्टूबर को शाम को 5:33 से शुरू होकर 22 अक्टूबर मंगलवार को शाम 4:40 तक रहेगा, यानी कि आपने 21 अक्टूबर सोमवार की शाम से शॉपिंग स्टार्ट करनी है, वो शॉपिंग आप 22 अक्टूबर की शाम तक कंटिन्यू रख सकते हैं। और दोस्तों, इस दौरान की गई खरीदारी अक्षय रहती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसीलिए दोस्तों इस मुहूर्त में आपने घर और सोना खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, सोम नक्षत्र में सोना, चांदी, बर्तन और भौम पुष्य नक्षत्र में जमीन, मकान की खरीदारी करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप तांबे के बर्तन खरीदने के इच्छुक हैं तो 21 अक्टूबर सोम पुष्य नक्षत्र में ही आपने ये काम करना है। ये इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है। सोम पुष्य पर सोना, चांदी व अन्य कीमती धातुओं वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। वही भौम नक्षत्र में आपने क्या करना है, सुबह 10:55 तक आपने साध्य योग है, इसके साथ शुभ योग भी लग रहे हैं। मंगल भूमि, मकान, धातु की खरीदारी के लिए श्रेष्ठ है और मंगल तांबे का देवता है। इस दिन तांबे के बर्तन भी खरीदे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर पूजा का कोई तांबे के बर्तन अगर आप खरीदने के इच्छुक हैं तो आपने मंगलवार के दिन खरीद लेना है। और दीपावली की तैयारी में दो दिन खरीदी करने के लिए प्लानिंग भी आराम से आपकी की जा सकती है, समय की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। और जो लोग मकान, जमीन खरीदने का विचार कर रहे हैं उनके लिए दीपावली के पहले दोस्तों ये भौम पुष्य शुभ अवसर एक सौगात के रूप में आया है। इसके साथ ही दोस्तों तेरस पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, यानी कि धनतेरस के दिन कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी, जिसे धनतेरस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, इस
बार 25 अक्टूबर को है और त्रयोदशी शुरू होगी सुबह 7:08 से, जो कि 26 अक्टूबर शनिवार को दोपहर में 3:47 तक रहेगी। इसलिए दोस्तों जो भी लोग धनतेरस की पूजा करते हैं उन्हें 25 अक्टूबर को जो पूजा करनी हो, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी, इसलिए इस दिन खरीदी और पूजन का विशेष महत्व है। दोस्तों इस दिन आयुर्वेद की देवता धन्वंतरी जी का पूजन किया जाता है, कुबेर जी का पूजन किया जाता है, माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की भी पूजा की जाती है। और इस दिन धन के देवता कुबेर का पूजन करने से दोस्तों धन धाने से घर भरा रहता है। और इसी दिन दोस्तों यम देवता के नाम से भी दीपक जलाने का विधान है। दोस्तों पूजा कैसे करनी, दीपक कैसे जलाएं, इसकी वीडियो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर लिया। आप पर पिन कमेंट जो वीडियो के नीचे में जो फर्स्ट कमेंट होता है वो आप जरूर से चेक कर लें। इसके साथ ही दोस्तों आपने धनतेरस के दिन गाड़ी किस समय खरीदनी है, घर किस समय खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल है, दोपहिया वाहन है, कुछ भी अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसके लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर, मैं पूरी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आपने जरूर से देख लेना है। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से दिवाली मनाना है, इसलिए पहले से ही आपने शॉपिंग लिस्ट तैयार कर लेनी है और 21 और 22 अक्टूबर बिल्कुल भी मौका नहीं गंवाना है। दोस्तों स्पेशली अगर आप घर खरीदने वाले, गाड़ी खरीदने वाले, तो इस टाइम में आपने जरूर से खरीद लेनी है। साथ ही दोस्तों बहुत ही अच्छे से पूजा की तैयारी करने के लिए आपने इस मुहूर्त में अगर आप सामान खरीद लेते हैं तो आपको दिवाली में हड़बड़ी भी नहीं रहेगी और साथ ही दोस्तों पूजा जो है आपकी अच्छी तरह से संपन्न हो पाएगी। तो दोस्तों इसी शुभेच्छा के साथ कि आप अच्छी तरह से अच्छी मुहूर्त में शॉपिंग करेंगे वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी, मैं विदा लेती हूँ दोस्तों। दोस्तों आप सभी को धनतेरस और दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों अपने इष्ट देव और भगवान का नाम आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि उनका आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर सदा सदा के लिए बना रहे।